प्रदेश युवक कांग्रेस की ओर से आयोजित आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया प्रदर्शनी की कांग्रेस सहित अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने सराहना की है। यह प्रदर्शनी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवन और संघर्ष कार्य पर आधारित है। आइए डालते एक नजर। जब देश पर अंग्रेजों की सल्तनत थी तब अंग्रेजों ने काफी जुल्म हिंदुस्तानियों पर ढाए थे। देश को आजादी दिलाने के लिए कई क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों को अपना बलिदान तक देना पड़ा था, तब कहीं जाकर इस मुल्क को आजादी मिली। भारत पाकिस्तान दो धड़ों में बट गया। भारत देश ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलने वाला देश है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भले ही लोग आज कुछ भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सोचे या बोले, किंतु ये भी एक सच्चाई है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने भी जीवन में काफी संघर्ष किया था। नेहरू ने देश की दशा व दिशा विकास की ओर ले जाने में योगदान दिया था। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए वे प्रयासरत रहे। ऐसे देश के लाडले पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके जीवन संघर्ष कार्य पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का शानदार आयोजन सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब के सभागृह में 27 मई से लेकर 2 जून तक किया गया है। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए शहर के नागरिक दूर दराज से आ रहे हैं। देश के नागरिकों के साथ कई पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शनी की सराहना करते हुए देखे गए। प्रदर्शनी में विविध तस्वीरें देखकर नेहरू जी की स्मृति ताजा होने लगती है। युवाओं के विकास के लिए नेहरू जी ने जिन कार्यों की शुरुआत की थी वह आज भी प्रेरणादायक है। आधुनिक भारत की नींव रखने का कार्य उन्होंने किया था। हर साल तारीख 14 नवंबर को नेहरू जी का जन्मदिन बालक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू हमारे, यह घोषणा भी स्कूली जीवन में विद्यार्थियों ने दिया है। आयोजित इस प्रदर्शनी की पूरे शहरवासी काफी सराहना कर रही हैं। अमर रहे चाचा नेहरू, अमर रहे। NBC News के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे की रिपोर्ट।